mm -hmm. फ्लज़ वेलकम बैक टू माई चैनल एंड वेलकम बैक टू अनदर अमेजॉन हॉल वीडियो आज का जो अमेज़ॉन हॉल वीडियो होने वाला है उसके अंदर आपके साथ मैं शेयर करूँगी एक कुर्ता बहुत सुंदर सा कुर्ता है अफोर्डेबल प्राइज पर और शेयर करूँगी आपके साथ तीन कुर्ता सेट दो कुर्ता सेट के साथ तो आपको बहुत सुंदर से दुपट्टे भी मिलने वाले हैं ठीक है एक अलग से मैं आपके साथ एक बहुत सुंदर सा दुपट्टा शेयर करूँगी बहुत सारे त्यौहार आ रहे हैं तो उनके हिसाब से ही आज मैं कलेक्शन आपके साथ शेयर करने वाली हूँ बहुत अफोर्डेबल प्राइजेस के अंदर हैं अच्छे अच्छे मटेरियल हैं सारा कुछ आपको बताऊंगी अच्छे तरीके से लिंक भी मैं आपको दे दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक सिंगल लिंक होल स्टोर का भी मैं दे दूंगी आपको तो अगर आप होल स्टोर और सिंगल लिंक को क्लिक करेंगे ना तो जितने आज मैं आपको कुर्ता सेट दिखाऊंगी वो एक ही जगह पे ओपन हो जाएंगे विद प्राइजेस और विद फ़ोटो तो आप सेलेक्ट करेंगे तो डायरेक्ट आप एमेज़ोन पर पहुँच जाएंगे तो आप वहाँ पर अपनी परचेजिंग बहुत आराम से इजीली कर सकते हैं प्राइजेज़ भी आपको साथ के साथ मैं आपको दिखाऊंगी ट्राई ऑन हॉल भी दिखाऊंगी ठीक है और ये जो मैंने कुर्ता पहना है इसका भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी ठीक है ये जो मैंने ईयरिंग्स और ये पहना है इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी आप अगर चेक करना चाहते हैं तो चेक कर सकते हैं तो अब शुरू करते हैं हॉल वीडियो पहला कुर्ता ये है दोस्तों ये सिंगल एक अनारकली कुर्ता है आगे इसका गले पे आप वर्क देखेंगे तो सामने से पहले देखिए गोल गला है फिर नीचे गोटा पट्टी का काम हो रहा है ये गोटा पट्टी का काम यहाँ से शुरू हो के नीचे पूरा चेस्ट तक फैल जाएगा ठीक है और गोटा पट्टी जो है गोल्डन कलर की गोटा पट्टी हैंड वर्क है ये इस कपड़ा और ये रेन फैब्रिक है पूरा और प्रिंटेड है पूरा कपड़ा ये रेउन का और सामने से जो आप इसका एम्ब्रॉयडरी का वर्क अच्छे से देख लीजिए सामने से कितना सुंदर और इसकी फिनिशिंग देखिए वर्क की बहुत सुंदर की गई है प्रिंटेड कपड़ा है मरून कलर का है इसके ऊपर और प्रिंट जो बने हुए हैं इसके ऊपर येलो ग्रीन लाइट पिंक इस तरीके के प्रिंट बने हैं जैपरी प्रिंट टाइप का है ये सामने से गला गोल है पीछे से भी गला गोल है थ्री फोर्थ इसकी स्लीव से स्लीव्स बिल्कुल सिंपल है प्रिंटेड स्लीव्स ठीक है थ्री फोर्थ स्लीव्स हो गई अब नीचे से आ गया इसका जो घेरा है अनारकली घेरा है घेरा इसका ठीक है बहुत ज़्यादा भी नहीं है और बहुत कम भी नहीं है ठीक है और कलर देखिए कितना सुंदर कलर है और नीचे जो इसका जो नीचे जो दिया गया है इसका फ्लेयर अनारकली का अलग से कपड़ा लगा के इसका और ज़्यादा चुन्नट लगा के फ्लेयर दिया गया ताकि ज़्यादा खुल के इसका घेरा लगे काफ़ी अच्छा एम साइज़ से लेकर के फोर एक्सल तक साइज इसके अंदर अवेलेबल हैं बहुत जल्दी आउट ऑफ स्टॉक हो रहा है ये कुर्ता आप ज़रूर चेक कर लीजिएगा इसको ठीक है इसको आप येलो कलर की स्लेक्स के साथ साथ में सुंदर सा दुपट्टा ले लीजिए और हर फंक्शन में चलेगा स्पेशली चौथ आ रहा है और उसके ऊपर खूब चलेगा दिवाली आ रही है सेकेंड दोस्तों एक कुर्ता प्लाजो सेट है साथ में दुपट्टा ये है दुपट्टा ये है प्लाजो और ये है इसका कुर्ता तो चले पहले कुर्ते की बात करते हैं स्ट्रेट कुर्ता है ये सामने से इसका गोल गला है पीछे से भी गोल गला है ब्रांड है इसका गो की मेरा जो साइज़ है इसके अंदर एल साइज़ है सामने से देखिए दो आ, इसकी लेस लगाई गई है गोटा पट्टी वाली लेस है जो कि सुंदर सी सामने लुक दे रहा है ये और सिंपल है लेकिन पहनने में बहुत सुंदर कलर बहुत सुंदर है थ्री फोर स्लीव्स है और स्लीव्स के ऊपर भी आगे जो है यहाँ पे भी ऐसी लेस लगाई गई है गोटा पट्टी वाली जो कि बहुत सुंदर लुक देती है गोल्डन कलर की ठीक है नीचे से देखो तो इसका हेम जो है वो स्ट्रेट है साइड में दो साइड में स्लिट्स हैं ऐसे रेन फैब्रिक के अंदर है ये आप इसको हैंड वॉश कर सकते हो दोस्तों ये है इसका प्लाजो और ये लास्टिक है आगे पीछे दोनों तरफ लास्टिक वाला प्लाजो है इसके अंदर ठीक है प्लाजो के नीचे जो है यहाँ पर इतना प्लाज़ो का जो घेरा है वो देख लीजिए कितना है इतना और इसके यहाँ पे भी जैसे कुर्ते की स्लीव्स में हम काम था उसी तरीके से प्लाज़ो में नीचे गोटा पट्टी वाली ये एक लेस लगाई गई है प्लाजो का भी रेयन फैब्रिक है बहुत कंफर्टेबल है ये पहनने में ठीक है मैं आपको बता दूं कि ये वाला जो कुर्ता सेट है ना ये दो कलर में अवेलेबल है एक ही ग्रीन और एक है मरून कलर के अंदर ठीक है और साइजेस जो हैं ये इसके अंदर भी साइजेस ना एम साइज़ से लेकर के डबल एक्सल साइज़ तक ये अवेलेबल हैं तो आप चेकआउट कर सकते हैं मैंने लिंक दे दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ये है इसका दुपट्टा दुपट्टे का भी रियॉन फैब्रिक है लेकिन पूरे दुपट्टे के ऊपर ना फॉयल प्रिंट का काम है आगे आगे से फॉयल प्रिंट का काम है अंदर से देखिए बिल्कुल प्लेन है और दुपट्टे की जो चौड़ाई है वो यहाँ से इतनी है ये देखिए और लंबाई जो है वो मैं इसकी आपको नाप के दिखा देती हूँ इतनी एक दो सवा दो मीटर का है ये दुपट्टा बहुत आराम से और ये पहनने के बाद बहुत सुंदर लगने वाला है कुर्ता बहुत चौड़ा दुपट्टा नहीं है साइड में ऐसे ही कर ले कर लेना है आपने ऐसे करके तो ये बहुत सुंदर लगने वाला है पहनने के बाद नेक्स्ट भी एक कुर्ता प्लाजो सेट है विद दुपट्टा ये है इसका दुपट्टा और ये है प्लाजो और ये है कुर्ता तो चलिए सबसे पहले कुर्ते की बात करते हैं ये है इसका कुर्ता कॉटन ब्लैंड इसका फैब्रिक है ठीक है और जैसा आपको ये दिख रहा है ना क्योंकि लाइटिंग बहुत ज़्यादा तो आपको लग रहा होगा सी थ्रू है तो वैसे ये सी थ्रू नहीं है इतना ठीक है वो लाइटिंग की वजह से आपको लग रहा है सामने से गला देख लीजिए राउंड गला है इसका और इसका जो राउंड है ना वो थोड़ा यू शेप में है यूजुअली राउंड सिर्फ ऐसे होता है थोड़ा सा ऐसे होता है जैसे हम यू शेप कटिंग वगैरह कराते हैं वैसे में है सामने से गले में ये कोई एम्ब्रॉयडरी वगैरह नहीं है ये अलग से कपड़ा है एक वो लगाया गया है और उस कपड़े के ऊपर बहुत बारीक बारीक काम किया गया है धागे का तो ये अलग से कपड़ा लगाया गया है इसी कपड़े के ऊपर काम नहीं है ठीक है ये आगे से अलग से कपड़ा लगाया गया है ठीक है स्ट्रेट कुर्ता है काफ लेंथ तक जाता है साइड में इसके स्लिट्स दे रखे हैं ये थ्री फोर्थ स्लीव्स तक है और स्लीव्स के आगे भी देखिए इसे चौड़ी सी लेस लगाई गई है बीच में जो कि बहुत सुंदर लुक दे रही है इस कुर्ते को पीछे से मैं बात करूँ तो पीछे से बिल्कुल प्लेन कुर्ता है ये ठीक है अंदर से भी बिल्कुल ये ऐसे प्लेन है क्योंकि आगे से इन्होंने ये अलग से कपड़ा ही लगाया है और जो बहुत सुंदर लुक दे रहा है ये दोस्तों इसका प्लाजो प्लाजो में भी आगे पीछे दोनों तरफ इलास्टिक है काफ़ी इसका चौड़ा है ये प्लाजो मतलब काफ़ी अच्छे साइज का है मेरा साइज इसके अंदर एल है और प्लाजो के नीचे जो है यहाँ पे सबसे नीचे वही जो आ, आ, कुर्ते की स्लीव्स पे थी लेस वही प्लाजो के नीचे ये लेस लगाई गई जो कि बहुत सुंदर लुक दे रही है ये कुर्ता बहुत सुंदर कुर्ता प्लाजो बहुत सुंदर लुक देता है पहनने के बाद बात करते हैं इसके दुपट्टे की जो इस कुर्ता प्लाजो सेट में चार चार लगा देता है क्योंकि इसका दुपट्टा मुझे काफ़ी पसंद आया ये देखिए इसके कुर् दुपट्टे की लंबाई चौड़ाई सब कुछ परफेक्ट है ये देखिए और कलर भी इसका बिल्कुल परफेक्ट है गोल्डन कलर का जैसे काम है इसके ऊपर ये देखिए जैसे बनारसी साड़ियाँ टाइप ने तो बनारसी दुपट्टा वैसा टाइप का है ये और आखिर यहाँ बस ये है कि हमें यहाँ पे इसको ना पीको कराना पड़ेगा तो चलिए ठीक है कोई नहीं इतना तो करा ही सकते हैं पीको बहुत सुंदर मतलब ये ना पूरे कुर्ता प्लाजो सेट में ना चार चांद लगा दिया इस दुपट्टे ने ये देखो लग ही नहीं रहा जितने प्राइस का है उतने प्राइस का कुर्ता सेट है ये जल्दी से ग्रैब कर लो दोस्तों इसको बहुत जल्दी जल्दी आउट ऑफ स्टॉक जा रहे हैं ये सारे कुर्ता सेट वगैरह तो बहुत सुंदर है लेंथ इसकी चलो मैं फिर से बता देती हूँ आपको एक मीटर दो मीटर आराम से ढाई मीटर का दुपट्टा है ये चौड़ाई भी देखिए दुपट्टे की कितनी ज़्यादा है और पहनने के बाद कितना सुंदर लगने वाला और इस दुपट्टे को ना आप सिर्फ़ इस प्ला, कुर्ता प्लाजो के साथ नहीं किसी वाइट कलर के कुर्ता प्लाजो के साथ या आप कह सकते हैं कि किसी ब्लैक कलर के कुर्ता प्लाजो के साथ भी पेयरअप कर सकते हो बहुत सुंदर इसका दुपट्टा है ठीक है वैसे नॉर्मली अगर सिर्फ दुपट्टे दुपट्टा बोलूँ ना तो आपको मार्केट में सिर्फ ये ढाई सौ का सिर्फ दुपट्टा दुपट्टा मिलने वाला है दोस्तों तो मेरे हिसाब से जो प्राइस का ये फटाफट से ग्रैप करो इस कुर्ता प्लाजो सेट को मैं इसको हाईली रिकमेंड करती हूँ आपको लिंक दे दिया मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जरूर इसको चेक करो नेक्स्ट जो है वो एक दुपट्टा है ये आर्ट सिल्क का दुपट्टा है और बांधनी स्टाइल में ये दुपट्टा है ये देखो और हम इसको जयपुरी प्रिंट बोलते हैं या इसको टाई एंड डाई वाला दुपट्टा होता है लेकिन इसके ऊपर ना ये गोटा पट्टी वाली लेस लगी हुई है साइड में गोटा पट्टी का जरी का काम है ये ज़री का काम हाँ ये ज़री का काम होता है ये गोटा पट्टी वाली लेस है और ये ना मोती वाले बीट्स वाइट बीट्स वाली यहाँ पे और ऐसी लगाया गया है बहुत सुंदर ये देखो कितना सुंदर लगेगा ठीक है 2.35 मीटर इस दुपट्टे की लेंथ है ये देखो पूरा डिज़ाइन मैं आपको दिखा रही हूँ बीच में से किस तरीके का डिज़ाइन है इसका जो कलर है मरून और पिंक में और वाइट में ऐसे डबल डबल शेडेड में है ये साइड में यहाँ पर ऐसा ये लगाया गया है लटकन सा एक तरफ और उसी की क्रॉस में दूसरी तरफ लगाया गया है दो ही तरफ लगाया गया है ठीक है चारों तरफ नहीं लगाया गया है लेकिन ये जो लेस है ना ये पूरे दुपट्टे के चारों तरफ लगाई गई है जो कि इसके अंदर चार चांद लगा देता है अब ऐसा दुपट्टा कई लोग जैसे करवा चौथ में यूज़ करते हैं मैंने इसलिए लिया है क्योंकि ना जैसे सिंपल से कुर्ते होते हैं ना वाइट कलर के ब्लैक कलर के पिंक कलर के बिल्कुल प्लेन उनके साथ ना ये दुपट्टा पहनने में बहुत सुंदर लगता है ये देखो बहुत सुंदर लगेगा इसका कलर भी बहुत प्यारा है तो लास्ट कुर्ता प्लाजो सेट इसके साथ दुपट्टा नहीं है ठीक है ये वाला जो कुर्ता प्लाजो सेट है ना ये अनमेरिड लड़कियों को बहुत पसंद आने वाला है या फिर जो आ, सिंपल सिंपल से प्यारे प्यारे से रंग के सिंपल से कुर्ते को आ, पसंद करती हैं उनको बहुत पसंद आने वाला है ठीक है आपको सबसे पहले मैं इसका कुर्ता दिखाती हूँ कुर्ता अनारकली स्टाइल में है लेकिन इसका जो अनारकली है ना वो थोड़े ट्विस्ट में है आपको बताती हूँ सबसे पहले आप इसका देख लीजिए गला हाँ दोस्तों थोड़ा सा सी थ्रू है आप अंदर इनर पहन सकते हैं गले के पास नीचे देखिए ये एक लेस लगाई गई है पट्टी वाली सिंगल लेस सिंगल है लेकिन बहुत सुंदर सिंपल सोबर येट स्टाइलिश कुर्ता ठीक है सिंपल है सोबर है लेकिन स्टाइलिश भी गो सीरी की इसका ब्रांड है ठीक है और जिनका मैं ब्रांड नहीं बता पा रही ना उनको मैं दिस, आ, मैं उसमें बता दूंगी स्क्रीन के ऊपर और इसकी जो स्लीव्स है वो हाफ स्लीव्स है इसकी स्लीव्स के ऊपर भी ऐसे ये गोटा पट्टी वाली लेस लगाई गई है दोनों तरफ पीछे से बिल्कुल प्लेन कुर्ता है लेकिन इसका ना आप अनारकली होने का स्टाइल देखिएगा ठीक है थीके? बीच में कैसे ये ना पार्टीशन पार्टीशन करके इसको अनारकली और ऐसे फ्लेयर दिया गया है है ना आजकल ऐसे फ्लेयर वाले बहुत चल रहे हैं अनारकली पहले क्या होता था सिंपल यहाँ से दिया जाता था फ्लेयर यहाँ से लेकिन आजकल क्या दिया था सबसे एंड में जाके ना ऐसे फ्लेयर दिया जाता है अनारकली में जो बहुत प्यारा लुक देता है नीचे बहुत चौड़ा सा ऐसा लगता है बहुत चौड़ा सा बॉर्डर लगाया गया है लेकिन बहुत अच्छा लगता है ठीक है इसके अंदर क्या है कि बीच में ऐसे करके अटैच करके कपड़ा फिर नीचे अटैच करके कपड़ा लगाया गया है फिर और नीचे अटैच करके कपड़ा लगाया गया ताकि ये अनारकली का स्टाइल बहुत प्यारा दे इसकी फिटिंग ना बहुत सुंदर आई अब आप इसको ज़रूर बाई कीजिए सिंपल है लेकिन सोबर सिंपल सुंदर कुर्ता मुझे बहुत पसंद आया कॉटन फैब्रिक है इसका हैंड वॉश कर सकते हो साइज़ मेरा साइज़ मेरा इसके अंदर एल है एस से लेकर के डबल एक्सल तक साइज अवेलेबल है अमेज़ोन के ऊपर इसके अंदर ये सिंगल कलर ही मिलता है और कलर में अवेलेबल नहीं है ये कुर्ता और नीचे इसका पेंट है प्लाजो नहीं है पेंट है ठीक है ये इस कुर्ते के है पेंट पेंट बिल्कुल सिंपल है और लास्टिक आगे पीछे लास्टिक का दिया गया है ये काफ़ी कंफर्टेबल है ये बीच का देखिए ये भी काफ़ी है ये तो काफ़ी कम्फर्टेबल है पहनने में उठने बैठने में भी और नीचे से जो पेंट की होती है ये इतनी सी चौड़ाई है उतनी ही है ठीक है काफ़ी कंफर्टेबल है आप डेफिनेटली ये वाला भी बाय कर सकते हो अच्छा आप इसको जो अनमेरिड लड़कियां हैं आप इनको फेस्टिवल में वेयर कर सकते हो सुंदर सा दुपट्टा जो मैंने पहना हुआ है इसके अंदर दुपट्टा साथ में बांधनी वाला दुपट्टा लिया है मैंने इसके साथ बहुत प्यारा लुक दे रहा है आई होप दोस्तों आज की कलेक्शन आपको पसंद आई होगी कौन सा वाला सबसे ज़्यादा पसंद आया आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और भी हॉल वीडियो लेके जल्दी ही आपके सामने मैं हाजिर होने वाली हूँ ठीक है और सबके लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे ही दिए हैं तो आप एक बार ज़रूर चेकआउट कर लीजिएगा मिलती हूँ अगली वीडियो में तब तक अपना ध्यान रखिएगा बाय